नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम पंजाब की खास सब्जी मेथी मटर मलाई बनाएंगे। मेथी मटर मलाई रिच ग्रेवी के साथ बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है, आपको बहुत पसंद आएगी। तो आइए देखें मेथी मटर मलाई सब्जी बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। ये हमने 250 ग्राम मेथी ली है और डंडियां हटा करके पत्तियां तोड़ ली हैं। पत्तियों को हमने दो बार अच्छे से डूबते हुए पानी में धोया और छलनी में रख करके पानी हटा दिया है। आधा कप फ्रोज़न मटर के दाने हैं, ताज़े मटर के दाने भी ले सकते हैं। इसमें तीन टमाटर मीडियम आकार के, एक हरी मिर्च और एक इंच अदरक का टुकड़ा और 10-12 काजू हमने बारीक पेस्ट बना लिया है। और आधा कप क्रीम है, क्रीम की जगह घर में निकले हुए दूध की मलाई भी ली जा सकती है। 2 टेबल स्पून तेल, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक है या स्वादानुसार नमक ले लेंगे। 1/4 छोटी चम्मच से आधी लाल मिर्च पाउडर और ये हमने साबुत गरम मसाला लिया है। 1/2 इंच टुकड़ा दालचीनी का है, 2 बड़े इलायची हैं, 2 लौंग और 5-6 काली मिर्च हैं। इसकी जगह हम 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन साबुत गरम मसाले को जब हम दरदरा कूट करके ताज़ा डालते हैं तो इसकी महक बहुत अच्छी आती है। 1 पिंच हींग, 1/2 छोटी चम्मच जीरा और 1/2 छोटी चम्मच चीनी। तो मेथी को सबसे पहले हम काट करके तैयार कर लेते हैं और इसके बाद हम सब्जी बनाते हैं। तो मेथी की पत्तियों को हाथ में एक बंच बना लेंगे और इन्हें हम चॉपिंग ब्लेड से बारीक काट लेंगे। अपनी सुविधा के अनुसार बोर्ड पर चाकू से, जैसे भी इजी हो उस तरीके से मेथी को काटा जा सकता है। ये मेथी हमने काट करके तैयार कर ली और अब सब्जी बनाते हैं। तो एक बर्तन में हम मेथी और मटर दोनों को डाल करके उबलने रख देंगे। तो इसमें हम 1/2 कप पानी डाल करके पहले उबाल आने तक गर्म करते हैं। 1/2-1/4 कप पानी डाल देंगे, भगोनी को ढक देते हैं, पानी में उबाल जल्दी आ जाएगा। और जब तक हमारी उधर तो मेथी उबल जाएगी और इधर हम सब्जी के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो ये भी गैस ऑन कर देते हैं और पैन में तेल डाल देते हैं। पानी में उबाल आ गया है। हम ये मटर के दाने और मेथी डाल देंगे और इसे हम ढक देंगे और 5 मिनट ढक कर के इसे पका लें। दाने और मेथी थोड़ी सी नरम हो जाए। ये हमारा तेल भी गर्म हो गया है। तेल में हम हींग, जीरा, धनिया पाउडर और ये जो हमने पेस्ट बनाया है, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और काजू, ये पेस्ट डालेंगे और मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाले पर तेल ऊपर ना दिखाई देने लगे। लाल मिर्च भी डाल देंगे और ये जो दरदरा गरम मसाला हमने ताज़ा कूट करके तैयार किया है वो भी डाल देंगे और मसाले को हम हर 1 मिनट में इस तरीके से चलाते रहेंगे जब तक कि वो भून के तैयार नहीं हो जाता। मसाले पर तेल दिखने लगा है, मसाला हमारा भून करके तैयार हो गया है। और हम अपनी मेथी और मटर भी चेक कर लेते हैं। 5-6 मिनट हो गए हैं, मेथी
मटर भी बिल्कुल नरम हो गई है, मटर और मेथी दोनों उबल चुके हैं, तो ये तो गैस बंद कर देते हैं हम। और ये हमारा मसाला भुन गया, इसमें हम ये क्रीम डाल करके मिक्स कर देंगे। ये चीनी भी डाल देंगे और नमक भी डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। सब्जी में हमने आधा चम्मच चीनी डाली है, अगर आप चीनी डालना नहीं चाहें तो नहीं डालें। और मेथी मटर मलाई ये हमने करीब आधा पौना कप पानी में उबाली है। अगर हमें मेथी की कड़वाहट पसंद है तो हम डायरेक्ट पानी सहित जो मसाला भुना है, हमने जो ग्रेवी तैयार की है उसमें डाल देंगे, क्योंकि थोड़ा सा पानी है और ग्रेवी हमारी थोड़ी सी दिखाई देगी। अगर हमें मेथी की कड़वाहट बिल्कुल पसंद नहीं है तो इस पानी को हम छान करके निकाल दें, तो पानी के साथ मेथी की कड़वाहट निकल जाएगी। और ये मेथी और मटर हम ये ग्रेवी में डाल दें, मिक्स कर देते हैं। और सब्जी को हमें जितना पतला रखना है उसके हिसाब से हम पानी डाल देंगे, आधा कप पानी डाल करके मिक्स कर दें। और सब्जी को ढक कर के हम 2-3 मिनट तक पकने देंगे ताकि सारे मसाले मटर और मेथी के अंदर जज्ब हो जाएंगे। सब्जी को हमने 3-4 मिनट बिल्कुल धीमी गैस पर ढक कर के पका लिया है और बीच में एक बार चमचे से चला भी दिया था। हमारी मेथी मटर मलाई बन करके तैयार हो गई है। सब्जी को हम प्याले में निकाल लेंगे। मेथी मटर मलाई रिच ग्रेवी के साथ बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बन करके तैयार है। इस सब्जी को आप किसी भी खास अवसर पर या किसी भी पार्टी के लिए बना सकते हैं। मेथी मटर मलाई को चपाती, पराठे, नान या चावल के साथ परोसिए। आप मेथी मटर मलाई सब्जी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर से मिलते हैं nishamadhulika.com पर।